हेलो गाइस, वेलकम टू बैक हेमंतोस ब्लॉग। सो गाइस, आज हम लोग एक अनबॉक्सिंग करने जा रहा है। सो आप लोग वीडियो में बने रहे और आगे तक देखें। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सरप्राइज गाइस, तो आज का यही है DJI Ronin SC का गिम्बल। आज इसी के अनबॉक्सिंग करेंगे गाइस, और ये इस तरह एक VIP में आते हैं। चलो फटाफट खोल लेते हैं इसको। इसका दो साइड में टिप टॉप सिस्टम में होता है, इसको खोला जाता है इस तरह। ऐसा मेरे कोई सेटअप नहीं है गाइस, तो प्लीज़ उसको अवॉइड करना। मैं नीचे बैठ के वीडियो बना लेता हूँ। तो इस तरह का इसमें किस क्या क्या मिला है देखेंगे गाइस। ये सब है, देखो गाइस में क्या क्या मिला है। इसका डिटेल्स दिया हुआ है, इसको पढ़ पढ़ के हम इसको फिटिंग कर सकते हैं। चलो गाइस इसको निकालते हैं। यह है मेन हेड, गिम्बल का हेड जो इससे कंट्रोल करा जाता है। इसमें सब चीज होते हैं। और ये है हमारा दूसरा वाला, ये बैटरी है हम लोग का, ये बैटरी का है। इसको यहाँ लेके ऐसे फिटिंग किया जाता है इसमें। इस तरह का फिटिंग किया जाता है। और ये आप लोगों का स्टैंड हो गया, स्टैंड बोलोगे या लेग्स बोलोगे। इसको हम नीचे से फिटिंग करेंगे कुछ इस तरह का। ये फोल्डिंग सिस्टम का होता है ताकि हम इसे स्टैंड कर सकते कुछ इस तरह का। दिख रहा है गाइस पूरा फिटिंग हो गया है। ये इसका सबसे मेन चीज़ होता है कैमरा को कंट्रोल करने के लिए। तो हम लोग देखेंगे इसको कहाँ फिटिंग किया जाता है। सबसे मेन चीज़ में यही पड़ता है, इसको इसमें से हम कैमरा को यहाँ एडजस्ट करेंगे और मेंटेन करेंगे। और हमें क्या मिला है देखेंगे। ये हो गया दोस्त हम लोग का मोबाइल क्यूआर के लिए। इसमें मोबाइल हम फिटिंग करके हम स्क्रीन देख सकते हैं। इसमें कुछ इस तरह का होता है ये। और हमें ये डाटा केबल दिया गया है, इस गिम्बल को चार्ज कर पाएंगे हम इसके द्वारा। जो हम ये दूसरा डाटा केबल दिया गया है ये मोबाइल में फिटिंग करने के लिए।
और हमें ये स्क्रू वगैरह दिया गया है कैमरा को एडजस्ट करने के लिए और कुछ नट बोल्ट खोलने के लिए। ये स्क्रू है कैमरा को एडजस्ट करने के लिए। इसमें कुछ ऐसे इस तरह लग जाता है ये स्क्रू को, यहाँ फिटिंग करके कैमरा को यहाँ एडजस्ट करेंगे, कुछ इस तरह का होता है ताकि हम इसमें कैमरा बिठा सकें। गाइस गिम्बल को मैं कैसे फिटिंग किया जाता है, कैसे एडजस्ट किया जाता है, इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाजू में जो बेल आइकन है उसको बजा के रखना ताकि मैं वीडियो अपलोड करते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और ये है गाइस इसका यहाँ जो स्क्रू होता है उसको खोलने के लिए और टाइट करने एडजस्ट करने के लिए दिया गया है। इसमें दो दिया गया है, दो को सेमी इसके लिए दिया गया है। और ये हमें एक्स्ट्रा और दो स्क्रू दिया है इसको हुड को एडजस्ट करने के लिए। और ये हमारे जो कैमरा अगर ओवर वेट हो गया तो इसको वेट को मेंटेन करने के लिए लेंस के आगे लगाया जाता है। ये जब लॉन्ग लेंस फिटिंग करेंगे तभी इसको यूज़ कराया जा सके, इसीलिए दिया है। और ये गाइस लेंस कैमरा के नीचे अगर हमारा कैमरा एडजस्ट नहीं हो रहा है तो उसके नीचे लगा के ऊपर में कैमरा बिठा के ये आगे लगाया जाता है, इसलिए दिया गया है ये दो चीज़। जब मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा तब आप लोग अच्छे तरह से समझ जाओगे कैसे लगाया जाता है। तो हमें और एक डाटा केबल दिया गया है, इसको हम यहाँ पे जब चार्जिंग के लिए यूज़ करेंगे ये जगह में, इसलिए दिया गया है। और हमें ये एक एक्स्ट्रा दिया गया है सो गाइस आज के लिए इतना ही, जो सा मैंने दिखा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को चाहे तो शेयर करना, कमेंट करना कैसा लगा वीडियो। और मैं इसके लिए गिम्बल के अच्छा वीडियो बना सकूं इसके लिए मुझे सपोर्ट करना और अच्छा कंटेंट ले सकूं ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। मेरा फर्स्ट टाइम है ऐसे वीडियो बनाने के लिए, इसके लिए मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है। सो गाइस एडजस्ट कर लेना थोड़ा, और कैमरा क्वालिटी शायद अच्छा नहीं आ रहा है, ये मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया है इसीलिए। नमस्ते गाइस, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।